भारतीय वेलकम टू माय चैनल अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द फैमिली आज की पत्रकार रीडिंग में वी विल लुक इनटू योर फ्यूचर लेट्स सी कि क्या आने वाला है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू व्हाट्स कमिंग अप सो इस रीडिंग में वी हैव थ्री पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस पाइल वन इज द ऑरेंज फेदर पाइल टू इज द ब्लू फैदर एंड पाइल थ्री इज द वाइट फैदर इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करेंट एनर्जी क्या चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट व्हाट इज़ योर फ्यूचर और इस रीडिंग के लिए ऑरिटल कार्ड्स हैं टैरो कार्ड्स हैं एंड एस्ट्रोडाइज भी है बिल्कुल एंड यू नो दिस इज़ योर नियर फ्यूचर हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम नियर फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं और वो कितना नियर है या कितना दूर है वो भी हम इस रीडिंग से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल एंड और भी क्या मैसेजेस आते हैं क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए वो सब सब के सब देखा जाएगा बट इट्स मोर अबाउट कि वॉट डज द फ्यूचर हैज़ टू ऑफर टू यू लाइक वाट द नेक्स्ट चैप्टर फॉर यू इस रीडिंग का इंटेंशन ये है नाउ आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के यू कैन सेलेक्ट योर पाइल टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं कमेंट सेक्शन में दिए हैं फॉरवर्ड द वीडियो स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है या अप्रोच कर रहे हैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर के साथ वो गलत है वो स्कैम है इट्स इट्स नॉट ट्रू प्लीज़ उसको अप्रोच ना करें उसको एंटरटेन ना करें सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि है मेरा ई मेल आई डी एंड मैं इंस्टाग्राम पेज भी वो भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दैट इज़ द ओनली इंस्टाग्राम पेज दैट आई ओन ई हैव ठीक है सो आप प्लीज़ कमेंट्स को एंटरटेन ना कीजिएगा कोई अगर आपको कमेंट में बोल रहा है कि व्हाट्सएप करो और रीडिंग लो वो गलत है वो बिल्कुल गलत है ठीक है प्लीज़ बी केयरफुल बी वेरी केयरफुल फाइल वन जिनने भी चुना है ऑरेंज फेदर सो आज मैंने ऑरेंज टी शर्ट भी पहनी है मैचिंग सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो करंट एनर्जी है वो है हमारे पास द वर्ल्ड एंड टीचर ओके वेरी नाइस सो टीचर ऑक्सर अबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल और विस्डम वाओ सो आई फील दैट ओ वाओ एंड यू नो द ब्यूटिफुल पार्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज कि यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है एंड यहाँ पर भी उस टीचर ने ग्लोब को पकड़ा हुआ है हालांकि वो टीचर उस ग्लोब को आधा कर रहा है बट उसने उसके हाथ में भी ग्लोब है सो so यहाँ पे अर्थ ग्लोब नजर आ रहा है सो इट डेफिनेटली टॉक्सबाउ की यू गाइज कुड बी एक तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली ये ट्रैवलिंग और मूविंग अब्रॉड कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि uh, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं आप में से काफ़ी लोग या फिर आप इंटरनेशनल टीचर्स हैं या कुछ इंटरनेशनल कोर्स uh, कर रहे हैं या सिखा रहे हैं नॉलेज गेन कर रहे हैं नॉलेज एक्सपैंड कर रहे हैं एंड स्किल्स सीख रहे हैं और कई लोग यू नो इड भी इन टू ऑल्सो फॉरन लैंग्वेज और समथिंग टीचिंग और स्टडिंग एनी बट डेफिनेटली देर अ वेरी ग्लोबल एंड अक्रॉस द बाउंड्री वाला एनर्जी विद यू गाइज करंट एनर्जी आपकी एक और चीज़ बोलती है क्योंकि हम अक्रॉस द बाउंड्री वाली एनर्जी बोल रहे हैं सो आई फील दैट यू आर विलिंग टू एक्सपैंड यू आर विलिंग टू एक्सपेंड और एक्सपेंशन आपका सबसे पहले शुरू होता है आपकी मैंटल कैपिलिटीज से आपकी नॉलेज से सो योर नॉलेज एंड योर मेंटल केपेबिलिटी योर स्किल योर विजडम इज़ डेफिनेटली वेरी मच एक्सपैंडिंग और आप में ऑलरेडी भी बहुत स्किल बहुत विजडम है समवेयर यू गाइज आर ऑल्सो लाइक आपके सामने आई फील दैट यू यू हैव मल्टीपल मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्योंकि यहाँ पे उस ग्लोब में से मल्टीपल मल्टीपल छोटे 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 सर्कल्स निकल के आ रहे हैं तो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट सॉन्ग बसल्लाइन ना जैसे कोई यू नो जगल कर रहा है उनमें कई लोगों के लिए दिस कुड बी फन जगलिंग कई लोगों के लिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि यू नो वॉट टू गो फॉर ये करो ये वो करूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो ठीक है बट यू ऑल्सो हैव अ वेरी गाइड लाइक एनर्जी जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली टीचर्स हो या प्रोफेशनली गाइड्स uh, हो बट यू हैव दैट गाइड लाइक एनर्जी वे यू आर यू नो आप बहुत वाइज हो आप बहुत नॉलेजेबल हो आप बहुत ज्यादा स्किल्ड uh, uh, हो और आप मतलब आपके नॉर्मल टोन भी ना गाइड लेके जैसे आप जब किसी से बात भी करते हो ना ऐसा सामने वाला आपसे कुछ सीख कर ही जाता है चाहे वो उस इंटेंशन से नहीं आए कि उसको आपसे कुछ सीखना बट वो आपसे सीख कर ही जाता है दैट इज़ योर एनर्जी और आपकी जो नॉलेज है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बाउंड्री कल्चर और इवन टाइम ऑनेस्टली सो इट्स वास्ट एंड यू हैव वास्ट पॉसिबिलिटीज और समवेयर आपको ये बोला भी जा रहा है अगर आप स्टगल कर रहे हो कन्फ्यूज आपको बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज मेक द मोस्ट ऑफ़ इट आपके लिए कभी भी आप जैसे लोगों के लिए कभी भी आपको आ, नो दरवाज़ों की कमी नहीं लगेगी अगर आपको कभी लगता है कि कोई दरवाजा आपके लिए बंद हो गया तो आपके लिए सौ दरवाजे और खुले हुए हैं आपको कभी आपका स्कोप बहुत वाइड है वाइड बिग स्कोप ठीक है एंड सम ऑफ़ यू कुड इवन बी यू नो लाइक आई टोल्ड डो कि आप में से कुछ इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो अगर आप नहीं भी हो इंटरनेशनल से आपका ब्रॉड से कोई कनेक्शन नहीं है तो हो सकता आने वाले टाइम में हो जाए हो जाए एंड इट्स नॉट इवन अबाउट इंटरनेशनल इट्स अबाउट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी खुद की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो ठीक है नॉट जस्ट जोग्राफिकल बाउंड्रीज बट अपनी खुद की बाउंड्रीज आप क्रॉस कर रहे हो ठीक है वेरी नाइस नाउ लेट्स सी कि आगे क्या है हमारे पास सो so, पहले तो हमारे पास uh, थ्री फॉर्चून कार्ड्स हैं जिसमें से वी हैव वेल फैमिली विचिस कम्स टू एंजल वैली ओके आई थिंक वी नीड वन मोर कार्ड ओके सो पाई वन लेट्स वॉट इज कमिंग फॉर यू ये कार्ड शफल करना बहुत मुश्किल है सो आई गेट सो क्लमजी ओके ओके सर वी हैव इयर ओके नाइस मैंने ये कार्ड और इसलिए निकाला क्योंकि बाकी सारी पाइल्स में आई थिंक आई पिक फोर और इसमें पता नहीं थ्री के लिए तो आई वुड लाइक लेट्स बी फेयर So well, Angel Valley year and I'll spread all the cards so we We have Sun, Chariot, Nine of Wands, Eight of Cups. We also have all that glitters. We have Cancer, Symbiosis, and we have Surrender, pro Procrastination, and we have. ब्लेस्ड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट कि डेफिनेटली डेफिनेटली एंजल ब्लेंबर आई ऑल्सो सी दैट कि एंजल्स और टेलिंग यू मैसेजेस जो कि आपको कान में सुनाई दे रहे कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कान में इचिंग होती है लाइक मुझे हमेशा से आपने मेरी वीडियोज भी देखोगा नॉर्मली यहाँ पर मैं आई इच यहाँ पे ऐसे ऐसे करके तो वो ऑलमोस्ट लाइक की मैसेजेज आ रहे हैं ठीक है सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है बट डेफिनेटली और ये जो ये जो आपको गाइडेंस मिल रही है दिस इज दिस इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन आपको ये भी बोला जा रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है फैमिली विशेज कम्स ट्रू तो सम आपकी फैमिली की जो भी विशेज हैं वो ट्रू होने वाली हैं ये विशेज कुछ भी हो सकती है और सब कुछ भी हो सकते हैं सारी फैमिली विशेज आर कम ट्रू प्रॉबली ऑल्सो आई फील अ गुड टाइम फॉर द फैमिली इज़ कमिंग अप तो so, आने वाला टाइम सिर्फ आपके लिए नहीं आपकी फैमिली के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा एंड आई सी दैट वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस द आर अश्योर सक्सेस सम आई फील दैट कि एक बहुत ब्यूटीफुल सनराइज वाली एनर्जी आ रही है कि तो जैसे वैली में तो जैसे बचपन में ड्रॉ नहीं करते थे दो माउंटेन बना के फिर उसमें सन ऐसे ड्रॉ करते थे आई यूज टू डूट ऑल द टाइम्स आई डों बट सो आई आपके लिए वो वाला टाइम आ रहा है यहाँ पे सन एक्चुअली साथ में ये कार्ड सो आई फील दैट दिस इज इज सन राइजिंग फॉर यू ठीक है हो सकता है पहले पास्ट में या कुछ टाइम पहले आपको uh, इतना लाइट नहीं देखने को मिला है मिला भी है तो और लाइट आएगा और ब्लिस एंड जॉय आएगा आपकी लाइफ में बट डेफिनेटली सन इज़ राइजिंग सो एंड बिकॉज गुड न्यूज़ आ रही है कोई आपको गुड न्यूज़ विच विल बी जो कि तो आपके लिए ही नहीं आपकी पूरी फैमिली के लिए गुड न्यूज़ रहेगी ठीक है इट कैन बी एनी थिंग वो क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं सो वी हैव द सन द चैरियट नाइन ऑफ वन एंड द एट ऑफ कप्स सो समवेयर वी हैव चैरियट एंड कैंसर और कैंसर और चैरियट एक्चुअली ऊपर नीचे ही हैं आप में से काफ़ी लोग कैंसेरियंस हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं एक्चुअली एंड ऑल्सो विथ कैंसर एंड चैरियट आई सी दैट अगेन कैंसेरियन एनर्जी इज ऑल्सो लाइक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है होम लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है ताकि होम लाइफ जो है वो uh, काफ़ी बेहतर हो रही है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल मूव फॉरवर्ड समर आई ऑल् सी दैट काफी लोगों के लिए दिस कुड इवन मी लाइक अ शिफ्ट अ प्लेस आप पर से काफ़ी लोग हो सकता है कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो विथ फैमिली Uh, या फिर अगर आप अब्रॉड रहते हो एंड यू मिस योर फैमिली तो आपकी फैमिली आपको अब्रॉड आ सकती है या फिर आप उनके पास जा सकते हो मिलने के लिए बट डेफिनेटली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू एंड आपका शिफ्ट ऑफ या फिर आप घर शिफ्ट कर रहे हो किसी और जगह पे बट ये तो दूसरी जगह ही ऐसी हो सकती है जो कि आपके uh, जो कि इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू ठीक है इट्स नॉट इट विल बी समथिंग न्यू बट समथिंग रियली गुड फॉर यू समेत ना मुझे आपके आप पे काफ़ी सारे कार्ड बनाए कि एट ऑफ कप्स में भी वैली में भी, भी, भी सन में भी इट देर इज अ देर अ सन राइजिंग वाला एनर्जी कि सनराइज वाला एनर्जी सो सन इज राइजिंग फॉर यू ठीक है विट इज अ वेरी गुड ओमन अगेन वाई बिकॉज इट्स लाइक कि वो सनराइज अच्छा ही होता है ओबियसली कि एक रात के बाद आपको एक लाइट दिख रही है सवेरा हो रहा है एंड समवेयर इट्स अ न्यू डे इट्स अ न्यू डे इट्स अ न्यू एनर्जी जिसमें आप जा रहे हो ठीक है so, सो अगर ये शिफ्ट ऑफ प्लेस भी है आपके लिए तो इट्स अ न्यू न्यू प्लेस डेफिनेटली बट अ न्यू एनवायरमेंट ऑल टूगेदर यस एंड आई फील दैट कि दिस इज समथिंग जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे बट समवेयर यू नो अभी अभी आप ऑलमोस्ट देयर यू आर नॉट एग्जैक्टली देर वाई बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके बैठे हुए हो आउट ऑफ अटैचमेंट या फिर आउट ऑफ ग्रज या फिर आप खुद की खुद के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो जिस वजह से आप कुछ चीज़ें होल्ड करके बैठे हो विच यू नीड टू लेट गो ऑफ ताकि आप आगे बढ़ सको समवेयर वो रात जो हो रखी है डार्कनेस जो हो रखी है वो आपके अपने एनर्जी uh, ब्लॉक की वजह से हो रखी है यू नीड टू लेट गो एंड मूव ऑन ठीक है यहाँ पर आई ऑल्सो सी दैट विद द सन एंड चैरियट टुगेदर अगेन लाइक इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज है ना ये मैसेजेस कि सन एंड चैरियट चैरियट इज़ वॉट कैंसर कैंसर इज वॉट मोन सो सन और मून लिटरली एक साथ है सन और मून एक साथ क्या है कि एक कंप्लीशन दिखा रहे, है, रहे है, But, आ, हैं दैट यू हैव रीच अ पॉइंट ऑफ कंप्लीशन ठीक है डे एंड नाइट ऐसे पूरा वो डे एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है बट डेफिनेटली थिंग्स आर टेकिंग अ टर्न फॉर यू ठीक है आपकी पुरानी चीजें छोड़ आप एक न्यू न्यू वर्ल्ड में लिटरली न्यू वर्ल्ड न्यू डे न्यू एनवायरनमेंट में आप स्टेप इन कर रहे हैं एंड दिस इज मेजर ठीक है और ये चीज़ इट्स नॉट जस्ट अफेक्टिंग योर करियर नॉट जस्ट अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ नॉट जस्ट अफेक्टिंग योर हेल्थ एवरीथिंग इट्स अफेक्टिंग योर पर्सनैलिटी इन एंड आउट ऑल टूगेदर ठीक है आई ऑल्सो सी कि अगर आप uh, uh, कुछ देस आम विक्ट्री कमिंग इन ठीक है कोई विक्ट्री हो रही है आपको यो अचीविंग समथिंग ठीक है समथिंग जिसके लिए आप बहुत प्राउड रहेंगे अपने लिए भी और समथिंग जिससे आपका काफ़ी रिकग्नीशन uh, भी रहेगा और काफ़ी नाम रहेगा लाइक लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कमिंग टू यू डेफिनेटली एंड देन वी हैव सिम्बाइसिस यू नो ट्राइन ट्राइन सिम्बाइसिस ट्राइन सिम्बाइसिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आप अपना जो होराइजन है आप अपना आप अपनी दुनिया एक्सपैंड कर रहे हो बाई कनेक्टिंग टू पीपल आई फील दैट कि समवेयर यू आर कमिंग इन द लाइट क्योंकि जैसे सनराइज़ हो रहा है तो आप पे light पर लाइट पड़ रही है और जैसे आप पे light पर लाइट पड़ रही है पीपल विल नोटिस यू और तब आपका काम है कि आप भी उन लोगों से कनेक्ट होने के लिए फॉरवर्ड स्टेप लें और अपने आप को एक्सपैंड करें ठीक है क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनके आप जिनके आइडिया जिनके थाट्स जिनके वाइब आपसे मिलती होगी और वो आपको और ज़्यादा एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा डेफिनेटली वन मैसेज फॉर यू गाइज योर वर्ल्ड इज एक्सपैंड ठीक है चाहे आप जोग्राफिकली ले लो एनर्जेटिकली ले लो आप अपने कॉन्टैक्ट्स ले लो कुछ भी इवन आई ऑल्सो सेंस फैमिली एक्सपेंशन फॉर अ लॉट ऑफ यू फैमिली एक्सपेंशन चाइल्ड बर्थ स्पेशली तो मुझे बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है यहाँ पर ठीक है बट बट दिस इज मोर देन दैट इट इस नॉट जस्ट चाइल्ड बर्ड पर उसके साथ और भी चीजें होंगी मल्टी मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर ठीक है इसलिए इस गाड़ी का धक्का लग रहा है गाड़ी आगे चल रही है आपकी ठीक है ग्रोथ हो रही है समवेयर आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट करना अवॉइड कर रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू यू नीड टू आपको अपने थोड़े गार्ड्स डाउन करने की ज़रूरत है क्योंकि समवेर आई फील दैट नाइन ऑफ वन एन एट ऑफ कॉफ कि वो गार्ड्स जो है ना जो आपने खड़े किए हैं अपने गार्ड्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो हेल्दी फाउंडेशन पर नहीं बने हुए हैं ठीक है वो अनहेल्दी या आपकी पास्ट एनर्जी को शायद उन गार्ड्स की जरूरत थी उन वॉल्स की जरूरत थी बट बट द पर्सन दैट यू आर टू डे आपको उन वॉल्स की जरूरत नहीं है आप उनको यू you नो know, हटा सकते यू कैन लेट देम डाउन एंड यू आर फ्री टू मूव फॉर्वर्ड ठीक है नाउ वी हैव ऑल दैट लेटर्स ऑल दैट लेटर्स टॉक्स अबाउट कि डू नॉट गेट टेम्पटेड डू नॉट गेट टेम्पटेड मतलब कि कुछ वही लेकिन अब जैसे आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने डेफिनेटली ऑप्शन हैं अभी नहीं है तो आएंगे ठीक है प्लीज बी श्योर कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं क्योंकि आपने रास्ता चुनना है आपकी गाड़ी टर्न ले रही है जो भी रास्ता चुनते हैं आप दूसरों को देख कर कि हाँ जो चमक रहा है जो सबसे ज्यादा यू नो अट्रैक्टिव लग रहा है ऊपर ऊपर से मैं उसके लिए जाऊँ नहीं क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज्यादा ग्लैमराइज नजर आ रही हो सकती है बट काफ़ी खोखली हो सकती हैं ठीक है ठीके? और ज़्यादा अपने लोगों में फिट इन करने की भी कोशिश नहीं करनी है आपको आपके आपके हिसाब के आपके सेम ख्याल वाले आपके सिमिलर आइडियाज़ वाले लोग मिलेंगे लेकिन उसके लिए आपको जो यू नो नकली लोग हैं या नकली रिलेशनशिप्स हैं नकली कनेक्शंस हैं उनको लेट गो करना आपके लिए ज़रूरी है और उनको लेट गो करने के लिए आपको पहले अपना मास्क जो आपने उनको प्लीज करने के लिए पहना हुआ है उसको उतारना जरूरी है ठीक है समवेयर यू नीड टू सी द रियल थिंग ठीक है क्योंकि कुछ आ, लोग हैं आपके आसपास या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे एक मास्क लगा हुआ है जैसे यहाँ पे मास्क लगे हुए हैं ठीक है ठीके? वो मास्क सुंदर है पर वो अपॉर्चुनिटी या वो इंसान अंदर से इंसान ठीक है इतना सुंदर नहीं है ठीक है सो बी केयरफुल आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर एज द सन राइजेस फॉर यू जैसे ये सूर्योदय होगा आपके लिए तो जब आप पे भी लाइट पड़ेगी और आस पास के लोगों की भी लाइट पड़ेगी आपको पता चल जाएगा किसने मास्क पहना हुआ है और कौन रियल है ठीक है ये वेरी नाइस नाउ वी हैव सरेंडर प्रोकेस्टिनेशन नाउ इज द टाइम टू जम्प ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग एट ऑफ टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस लाइक आई टोल्ड यू आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना है समवेयर यू नो लाइक आई टोल यू हैव चोसेज द चैरियट है एट ऑफ कफ है दोनों ही कार्ड दे टॉक अबाउट टेकिंग चार्ज ठीक है लीडिंग योर लाइफ आपका रथ है आप चलाओ अपने हिसाब से एंड एट ऑफ कफ टायरेक्शन में लेकर जाओ जहाँ पे आपके मन की खुशी है जहाँ पर आपको सूर्योदय दिख रहा है गो ईस्ट नाउ दिस कुल एक्चुअली बी अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू टू गो ईस्ट ओके मे बी नाउ ऑल्सो आई एम सीन दैट कि समवेयर आप लाइक आई सेड अपनी बाउंड्रीज की वजह से प्रोकेशनेट कर रहे हो चीज़ों को कि पता नहीं है अभी शायद सही टाइम नहीं है पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं वो कर लूँगा फिर मैं ये कर लूँ फिर मैं वो कर लूँगा लू, लू। तो उससे वो काम डिले होता जा रहा है ठीक है आई डोंट सी दैट यू आर लेज़ी आप लेज़ी नहीं हो बट समवेयर आपकी ना कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं ठीक है अपनी कंडीशंस हटाओ पहले तो अपनी सोच को बड़ा करो फिर आपकी दुनिया बड़ी होगी पहले यहाँ पर काम करो अपनी सोच को ब्रॉड करो ठीक है फिर आप देखना कैसे 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 आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं आगे तक ठीक है यहाँ पर भी एक रास्ता बना हुआ है यू लिटरली स्टार्टिंग ऑन अ जर्नी यू ठीक है एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड ये तो भी शुरुआत है अभी लॉन्ग वे टू गो लॉन्ग वे टू गो आपका आने वाले टाइम में मुझे लगता है ट्रैवल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट एंड पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू ऑल आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपने में बड़े मस्त आप बहुत इंजॉय कर रहे हो आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हो बट गेट इन टू एक्शन ठीक है एंड देन फाइनली वी हैव ब्यूटिफुल कार्ड जो कि है ब्लेस्ड सो यहाँ पे एंजल भी है सो एंजल्स आर डेफिनेटली अराउंड ठीक है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं आपको डरने की या अपने आप को रोको मत चलते रहो जितना जा सकते हो जाओ रोकने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत लंबा रास्ता आपको और बहुत बड़ा बड़ा रास्ता बिग इट्स बिग ठीक है बट ट्रस्ट भरोसा रख के चलते रहो चलते रहो चलते रहो रुको मत ठीक है ब्यूटिफुल एनर्जी पायल वन लेट्स सी कि हमारे पास एस्ट्रोडाइज एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सो so, ओके okay. So pile one future. What's coming next? Pile one future. Wow, we have moon. We have cancer. Cancer, yeah, cancer. And we have second house. Moon, cancer, second house. Definitely family may changes. Some changes happening in the family. एंड मून आने की वजह से मुझे ये भी लगता है कि ये काफी जल्दी हो रहा है ऑल्सो जून जून जुलाई एक्चुअली जून जुलाई कु वेरी इंपॉर्टेंट मंथस बट मूवमेंट शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द मून कि वो चेंजेस शुरू हो गए हैं ठीक है एंड वैसे तो मून साइकिल एक्चुअली मंथ की थे तो विद इन द मंथ आपको कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा या yeah, सेंस तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज मून ऑन कैंटिन आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो आपको अंदर से ऑलरेडी ही सेंस हो रहा होगा कि अ शिफ्ट हैपनिंग आई एम ऑल्सो सींग कि अनएक्सपेक्टेड वेल्थ कुड ऑल्सो बी कमिंग इन फॉर यू एंड दिस इज फॉर द फैमिली मुझे कई बहुत लोगों के लिए प्रॉपर्टी परचेज या होम शिफ्ट के भी चांसेस लगते हैं ठीक है और लाइक आई सेड फैमिली एक्सपेंशन तो डेफिनेटली और मदरहुड ऑल्सो इस मदरहुड के भी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं यहाँ पर एंड विद द सेकेंड हाउस कमिंग इन क्योंकि मून एंड कैंसर दोनों वाटर एनर्जी हैं ठीक है फ्लोई फ्लोई है सेकेंड हाउस आकर ना बींग अर्थ एनर्जी उसको स्टेबलाइज कर रहा so, है उसको स्टेबलाइज कर रहा है उसको ग्राउंड कर रहा है सो ये चेंजेस होंगे बट ये ग्राउंडेड चेंजेस हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आके फिर पलट जाएगी नहीं ये रहेगी ये स्थिर रहेगी और ये बहुत ग्रो भी करेगी आपके लिए ठीक है एंड दिस इज़ लाइक वेरी स्टेबल फैमिली फैमिली के लिए काफ़ी स्पेशल टाइम आने वाला है और आपको मेरे ख्याल गाइडेंस भी ये है कि टेक टेक आउट टाइम फॉर योर फैमिली फॉर योर नियर एंड डियर वंस अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं उनको बिल्कुल टाइम आपको देना चाहिए ये yes. सो दैट वॉज ऑल्सो यू पायल वन आई होप दिस किया आपके साथ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट लॉड्स लाइट बाय पायल टू जिन्होंने चुना है द ब्लू फेदर लेट्स की वॉट इज कमिंग फॉर यू क्या है आपका फ्यूचर सो आपके पहले हम करेंट एनर्जी देखते हैं सो वी हैव फॉर योर करंट एनर्जी विक्ट्री एंड वी हैव सीकर सो यू गाइज आर सीकर आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग सोलो राइडर्स हो आप का कॉम्पिटिशन किसी और के साथ नहीं आपके खुद के साथ है और आप अपने आप को डिसपॉइंट नहीं कर रहे हो बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हो आपके अंदर प्यास है आपके अंदर प्यास है आगे बढ़ने की एंड सम वे यू गाइज आर ऑल्सो वेरी ओनेस्ट एंड ट्रूथफुल मतलब आप लोग ऐसे लोगों के आपको अगर जीतना है तो आपको यू नो ईमानदारी से जीतना ईमानदारी की जीत का मज़ा आता है आपको जो चीटिंग करके या यू you नो know, बेईमान होकर आपको हासिल की हुई चीज़ मजा नहीं आता आपको डेफिनेटली अचीवर्स गो गेटर्स आप लोगों के साथ आप लोगों में आई रियली सेंस दैट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाला वाइब ठीक है लाइक एकदम तलवार लेके एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं फुल ऑन एक्शन मोड आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग आर वेरी ब्लंट अपने कम्युनिकेशन में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर पर्सन हो आप यू स्पीक द ट्रूथ ठीक है ट्रूथ कैन बी ब्रूटल बिल्कुल ट्रूथ काफ़ी लोग आपको रूड भी समझ लेते हैं या एरोगेंट समझ लेते हैं बट आप बस आपके जो दिल में वो आपकी ज़बान पर है ठीक है और आप शायद सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो कि मीठा मीठा होके झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा कर सच्ची बोल दो भाई ताकि क्लैरिटी रहे बिकॉज यू आर सीकर्स ऑफ सीकरूथ यू आर सीकर्स ऑफ नॉलेज ठीक है आपको नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है समवेयर यू नो आई सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग या तो ऑलरेडी और यू डेफिनेटली आर इन दैट एनर्जी राइट नाउ वेयर जहाँ भी आप चलेंगे आप अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं आप जहाँ भी जाते अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं एंड ये जो छाप है दिस इज गोइंग टू बी मोर मोर इंस्पायरिंग एंड इट्स अकॉर्ग टू एक्सपैंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बट डेफिनेटली यू आर सोलो राइडर्स आपको जीतने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है आप अकेले सोलो ही बहुत बढ़िया कर रहे हो वेरी नाइस वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी डेफिनेटली नाउ लेट्स यू की आपके आगे के लिए क्या है मैसेजेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीली फॉर्चून कार्ड से वी हैव काइट

ओके दैट्स क्यूट नाउ पहले हम टीली फॉर्चून कार्ड पढ़ेंगे मैरिज मैरिज आ गया काफ़ी लोगों की शादी होने वाली है या आपके के आसपास किसी की शादी होने वाली है अगर आपकी शादी हो चुकी है और मैरिड लाइफ कुड बी गोइंग टू तो द नेक्स्ट लेवल और इम्प्रूविंग आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो रहा है ये मैरिज जरूरी नहीं है कि ये पर्सनल रिलेशनशिप वो बिजनेस मैरिज भी हो सकते काफ़ी लोगों के लिए बट क्योंकि यहाँ पे रूम uh, है जिसमें घर बना हुआ है होम बना हुआ है तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिस आई सेंस दिस इज लाइक योर मैरिज या फिर आपके घर में किसी की शादी हो, हो रही हो सकती है यस ठीक है आई ऑल्सो सी दैट विद द काइट कि आपके लिए कोई वेकेशन आने वाली है ठीक है वेकेशन दिस बी इवन हनीमून या ठीक है एंड

वो वाला गाना आ रहा है तो काफी लोगों के लिए ऐसा भी हो है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन को अपने डेली काम को ही इतना इंजॉय करने लग जाओगे कि आपको लगेगा मैं तो छुट्टी पे हूँ ठीक है वेरी नाइस एंड देन वी हैव बूथ इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल समवेयर आई फील दैट विद यू टेकिंग योर फूड्स फॉरवर्ड योर increasing your effort, but definitely you know with the vacation mode and the boot, I feel that कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा light headed mode में जा रहे हो तो lazy नहीं होना है ठीक है अपने efforts को भी maintain रखना है ताकि आप अपने goals achieve करते रहें ठीक है And कहीं भी आपको लगे कि कुछ कमी रह रही है तो आप समझना कि आपको बस अपना एफर्ट डालने की जरूरत है एंड यू विल जस्ट अचीव क्योंकि आप हो मेरे नाइट ऑफ़ विक्टोरियस पीपल आप अचीव कर लोगे ठीक है काफी लोगों के लिए न्यू होम न्यू एटीट्यूड आप नया घर लेने लगे हैं आपका नया घर या फिर घर में आपके रेनोवेशन हो सकते हैं या हो सकता है आप घर की पूरी सफाई करके एकदम पुराना सामान बाहर निकाल के नया मतलब आपका या तो करंट घर ही नया लगने लग जाएगा या फिर आप नया कोई घर लेने वाले हैं सम ऑफ़ यू could even, यू you नो know, buy अ वेकेशन होम ठीक है कि वेकेशन एंड न्यू होम है एंड I also see that new attitude. New attitude मतलब I feel that कि हो सकता है आप ऐसे हो जो कि past में यू बीन वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड आपने यू uh, नो you know, uh, बहुत ज़्यादा अपने आपको uh, अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपने को सफोकेट किया है आ, कहीं आप ज़्यादा इंजॉय नहीं किया इतना तो आई फील दैट इस न्यू एटीट्यूड में आप आ रहे हो जो कि इट्स मोर फन इट्स मोर हार्ड ड्रिवन इट्स मोर चिल एंड ईजी ठीक है एंड इट कुल ऑल्सो बी वाइस अवर्स एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू बट क्योंकि यहाँ सारी कप्स एनर्जीज आई so फील दैट जो भी है आप इट्स नॉट लाइक कि आप चिल होने का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो रहे हो क्योंकि यहाँ पर बूट आ रहा है बट आई फील दैट कि दिल से दिल से कर रहे हो आप आप अलाउ कर रहे हो योर हार्ट टू गाइड यू एंड एंजॉय एंड ऑल्सो लाइक डू आप वो कर रहे हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करता है Now coming to your tarot cards, we have three of cups, king of cups, the fool, page of cups. So देखो marriage card आ गया. So एक तो clearly नजर आ रहा है कि कई लोगों की शादी हो रही है किसी new person से, ठीक है? One category of people is this is a new person जिसको आप मिलोगे अपने किसी जान पहचान या किसी family gathering party या किसी friend के through, ठीक है? या फिर this could be a new connection विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स विद सम जो कि आपके सोशल सर्कल में है ठीक है और मुझे ये भी लगता है कि फॉर द थर्ड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी भी है इसमें कि आप किसी से शादी कर रहे हो जो कि आपसे बहुत एक्चुअली थर्ड कैटेगरी नहीं सबको अप्लाई होता है थोड़ा सा ये इंसान इज डिफरेंट डिफरेंट का मतलब ये है कि या तो इनका बैकग्राउंड बहुत अलग है ठीक है बट फॉर मेनी ऑफ यू दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओल्ड टाइप ठीक है इट इज अ वेरी न्यू फ्रेश एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी अबाउट दिस पर्सन प्लेजेंट सरप्राइज ठीक है इट्स नॉट लाइक एकदम आपको शॉक लग शॉक नहीं लग रहा है बट इट्स अ फ्रेश ब्रीज फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर ठीक है फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर सॉरी फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर आई ऑल्सो सी दैट की थ्री ऑफ कप्स आ रहा है तो कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली हो रहा है शादी हो रही है भाई शादी हो रही है शादी आपकी आपके किसी फ्रेंड को क्लोज फ्रेंड या आपके घर में किसी की शादी हो रही है एंड ऑल्सो इट्स शोइंग कि यू विल हैव अ गुड टाइम यू यू विल विल इंजॉय एंड हैव फन नाउ जिनकी शादी हो रही है या फिर इट कुड मीन कि आप शादी शायद शायद ना करें आपको अगर शादी में बिलीव नहीं है या अभी वो सकम साथ नहीं बन रहे बट डेफिनेटली एक वो मैरिज वाला कमिटमेंट में आप स्टेप कर रहे हो और जिस पर्सन के साथ आप स्टेप कर रहे हो उस कमिटमेंट में दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक वेरी फ्रेंडली कि आप दोनों ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम ही बस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप की नहीं एक फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है एक फ्लो में चीज़ें जा रही हैं एक कंफर्ट है एक है दूसरे के साथ एंड दिस अ वेरी चिल वाइफ दि वेरी चिल वाइब कि यू you नो know, कि एक फ्रीडम है कि यू कैन बी हु यू आर एंड योर कंफर्टेबल योर इमोशनली सिक्योर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इंसान कैंसर स्कॉर्पियो पाइस हो सकते हैं एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समन जो कि एक्चुअली काफ़ी एक्सप्रेसिव है एंड uh, you know, इनका रोमांस थोड़ा uh, उस टाइप का है कि चिपको चिपकू नहीं है चिपकू टाइप के नहीं है दोर uh, लाइक एकदम सरप्राइज देने वाला कि वो दे कोड प्लान सरप्राइजेज फॉर यू और ऐसे सरप्राइजेज जो कि बहुत इनोवेटिव हैं एंड न्यू एज है अब जैसे ओल्ड मतलब पुराने घिसे पिटे तरीके नहीं हैं रोमांस करने के लाइक जो कि सबने किया है वो नहीं करेंगे अपना इनोवेट करके खुद कुछ करेंगे ठीक है ऐसा इनका एनर्जी है वेरी नाइस वाइफ आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन ये हो सकता है बहुत ट्रैवल करते हैं या फिर ये आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं दूर रहते हैं ठीक है ठीके? एंड थोड़ा सा मुझे कल्चरल डिफरेंस भी नज़र आ रहा है कल्चरल डिफरेंस में ये हो सकता है बहुत स्ट्रोंग कल्चरल डिफरेंस नहीं है बट समवेयर सोच माहौल का फर्क रह सकता है नाउ आई ऑल्सो सी दैट कि ये चीज़ ग्रो करेगी ठीक है क्योंकि पेज ऑफ कप्स है फिर नाइट ऑफ कप्स है ऐसा नहीं है कि फिर किंग ऑफ कप्स है सॉरी ऐसा नहीं है कि एकदम से ही एकदम आप डीप रोमांस में चले जाएंगे नहीं पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी फिर आपको इन्फेचुएशन होगी ठीक है थोड़ी से बटरफ्लाइज होंगी फिर जाके आप डीप रोमांस लेवल पर जाएंगे ठीक है जिनकी शादी हो चुकी है उन पर भी हम आएंगे अभी ठीक है लेकिन पहले जो जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए मैसेजेस दे दूँ कि ये जो पर्सन है ठीक है बहुत बहुत इमोशनल इमोशनल emotional लेकिन इमोशनली सेंसिटिव नहीं इमोशनली मेच्योर है एंड प्रोटेक्टिव है काफी प्रोटेक्टिव है और काफ़ी वाइज है एक्सप्रेसिव है फन है ठीक है एंड दे आर गुड विद पीपल ठीक है दे कुड हैव अ बिग फ्रेंड सर्कल हो सकता आप में से uh, आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो कॉमन फ्रेंड्स नहीं भी हो तो आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ यू विल गेट बिलोंग वेरी वेल ठीक है एंड आप यू विल इन्जॉय योर टाइम विद दिस पर्सन डेफिनेटली तभी वो वेकेशन वाला एनर्जी आ रही है कि एक चिल इंजॉयमेंट वाला एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू आप हो सकता है इस इंसान से किसी वेकेशन पर भी मिलो आप सपोज किसी फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ वेकेशन पर जा रहे हो और वहाँ पर आप इंसान से मिलो वेरी मच पॉसिबल ठीक है बट आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस आई डोंट फील कि ये बहुत ज़्यादा प्लान रहेगा आपका मीटिंग या ये कनेक्शन इट विल बी अ वेरी स्पॉन्ड इन दर कि आप, आपको किसी ने सपोज अ फ्रेंड सजेस्टेड कि यार ये एक इंसान है सिंगल है तो इंटरेस्टेड है मिल ले आप कहोगे ठीक है मिलके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है आप कहोगे चलो कुछ करने को है नहीं मिल लेते हैं एकदम लाइट हेडेड एनर्जी ठीक है और वो रिलेशनशिप भी उस लाइट हेडेड एनर्जी में रहेगा कि आपको ऐसा नहीं है कि ओ बड़ी टेंशन लेके बड़ी मेहनत करके रिलेशनशिप चलाना है ऐसा करके बड़े वेरी लाइट हेडेड ठीक है वेरी मस्त बिंदास नाउ लुकिंग एट द अदर एस्पेक्ट जो कि है कि अगर आप लोग की शादी हो चुकी है या फिर आपको शादी वाले कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है दिस कुड इवन मीन लाइक अ बिजनेस पार्टनरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है क्योंकि मैरिज है तो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ नया बिज़नेस वेंचर शुरू कर रहे हैं हो सकता है आप मेरे शादीशुदा लोग भी जो जिनकी शादी होने वाली है वो भी नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो सकते हैं ठीक है एंड समथिंग स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस विद अ फ्रेंड या फिर तीन लोग तीन लोग की पार्टनरशिप भी हो सकती है तीन लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं ठीक है और ये जो तीनों लोग हैं ये अपने आपस में इमोशनली कनेक्टेड हैं ठीक है इट दैट कि कि जरूरी नहीं कि आप रिलेटेड बट जो भी आइडिया है ऑफ द बिजनेस और द वेंचर उसमें आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो ठीक है एंड एक जेनुइनली तीन जेनुन लोग मिलकर कुछ काम करने लगे हैं आपको ये भी मैसेज है कि आप फ्यूचर में आपकी बहुत हॉलीडेज होने वाले लाइक लॉट्स ऑफ पार्टीज फन इधर कभी इधर का इनवाइट आया हुआ है कभी उधर का इनवाइट आया हुआ है कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं ऐसा आपका एनर्जी रहने वाला है स्पेशली क्योंकि वैसे तो आप लोनर टाइप के हो सीख कर अपना अकेला चल रहे हैं बट आने वाला टाइम आपका काफ़ी का हैपनिंग होने वाला है ठीक है लॉट ऑफ लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन ठीक है एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि न्यू एटीट्यूड आ रहा है ना तो शायद वही है न्यू एटीट्यूड कि शायद आप अभी तक सोलह सोलो 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 चलते आए हैं अब ये न्यू एटीट्यूड विल मेक यू कनेक्ट विद पीपल बी विद पीपल हैव फन गो हैदरिंग सोशलाइज एंड एन्जॉय ठीक है दैट इज प्रोबली न्यू एटीट्यूड बट डेफिनेटली इमोशनली वेरी फुलफिलिंग इट विल फील यूर हार्ट ऐसा नहीं है कि आप यूर स्ट्रगलिंग विद कनेक्टिंग विद पीपल यू विल इन्जॉय इट यू विल डेफिनेटली इंजॉय इट ठीक है एंड ये सब कुछ जो भी हो रहा है इट्स वेरी मच इन द फ्लो समवेर आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने दिल की सुनो तभी वो स्पॉन्टेनिटी आ रही है क्योंकि अगर अब मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला कि ये लड़का है उससे मिल ले अगर दिमाग लगाऊँ तो मैं कहूँगी यार पता नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा डिल कह रहे ठीक है चल लेते हैं क्या फर्क पड़ता है मिल लेंगे किसी नए इंसान से और इट टर्सली गुड इट टर्न्स आउट टू बी रियली पॉजिटिव ठीक है वी ऑल्सो हैव वर्गो डाइजेस्ट समर आई फील दैट आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है आने वाले टाइम में you know, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समर ऑल्सो बिकॉज यू नो यूर इंजॉइंग यूर है आपका न्यू एटीट्यूड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कि आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो क्योंकि वो चीज़ आपको इमोशनली फुलफिल करती है हैविंग गुड हेल्थ ठीक है तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और आई फील दैट कि आप उसकी तरफ एफर्ट डाल रहे हो इसलिए भी वो इम्प्रूव हो रही है ठीक है एंड विद वर्गो आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर समवे योर ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ इज आप शायद इस वेकेशन मोड आपका लाइट हेडेड एनर्जी इसलिए भी क्योंकि आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाले हो और जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहेगी तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे जो चीजें आपको खुशी देती हैं जिनको आपको करके अच्छा लगता है उनके लिए आप टाइम निकाल पाओगे एंड जुपिटर दिखा रहा है अबंडेंस लॉट ऑफ अबंडेंस समवेयर जुपिटर किंग ऑफ कप्स के नीचे आया सो तो आई ऑल्सो फील दैट कि हो सकता है कि आप का ये जो पार्टनर है बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर जिसकी हम बात कर रहे हैं दे कुड बी कुस ठीक है आई ऑल्सो फील देट कि कई लोगों के लिए यू कुड इवन मीट दिस पर्सन एट अ जिम जिम या वर्क प्लेस में आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं क्योंकि वर्गो है वर्क प्लेस फ्रेंड्स ठीक है या फिर आप अगर किसी जगह पर रूटीन पर जाते हो डे कोड बी अ क्लब दैट यू गो टू ऑन रूटीन ठीक है और रेस्टोरेंट और जस्ट यू नो कम्यूनिटी प्लेस जहाँ पर आप जाते हो रूटीन में वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है न्यू पर्सन ठीक है क्योंकि फूल का मतलब है कि वेरी अनएक्सपेक्टेड वेरी अनएक्सपेक्टेड एकदम नए तरीके से नए तरीके से मतलब जो तरीके किसी के दिमाग में नहीं है ना एकदम डिफरेंट तरीके से ये हो रहा है ठीक है एंड वेरी स्पॉन्टेनियस की स्पॉन्टेनियसली किसी ने आपसे आके बात कर ली स्पॉन्टेनियसली आपने किसी से बात कर ली आप वैसे ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते तो, बट आपने ऐसे ही मजे में किसी से बात कर ली और वो बात कहाँ के कहाँ पहुंच गई ठीक है वैसे ही आपके बिजनेस के लिए भी ठीक है ऐसा हो सकता है कि आप स्पॉन्टेनियसली आपने किसी से बात कर ली उसकी हेल्प से आपका बिजनेस में आपको फायदा हो गया एक्सपैंड हो गया ठीक है सो बी स्पॉन्टेनियस बी स्पॉन्टेनियस एंड कनेक्ट विथ पीपल ठीक है डेफिनेटली बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रही है एंड दिस इज गुड लक ऑल गुड लक फॉर यू विद जुपिटर एनर्जी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस बी ऑल्सो नाउ ये जो तीन कार्ड्स हैं हेयर एंड नाउ ब्रीद एंड सरेंडर टू नॉन एक्शन तीनों कार्ड्स एक्चुअली एक ही मैसेज दे रहे हैं कि एक जगह मतलब अपना जो दिमाग है ना उसको शांत कर लो एकदम कि हेयर एंड नाउ क्या कहता है लिव इन द प्रेजेंट लिव इन द प्रेजेंट मतलब वही फूल लिटरली फूल के नीचे ये हेयर एंड नाउ कि पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा उसके बारे में सोचो मत अभी जो सही लग रहा है वो करो बिंदास अभी के लिए लग रहा है कि हाँ चलो इस बात कर सकते हैं कर लो अभी के लिए लग रहा है यार छुट्टी चाहिए ले लो ठीक है अभी के लिए जो सही लग रहा है अभी के लिए जो मन कर रहा है वो कर लो आगे और पीछे के बारे में ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे हार्ट्स भी बने हुए हैं कि जहां पर आपका दिल आए जहां आपका दिल आपको ले जाए क्योंकि आप जेनुन हो ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका दिल आपको लेजी होने को बोलेगा आपका मन करेगा काम करने के लिए आप करोगे क्योंकि आप दिल से करते हो आप जो भी करते हो आप दिल से करते हो आप दिल से करते हो तो आप बहुत अच्छा करते हो बहुत अच्छे लेवल का करते हो ठीक है देन वी हैव ब्रीथ ब्रीथ इज टॉकिंग अबाउट कि लाइक टेक टाइम आउट फॉर योर ठीक है अपने दिमाग को शांत करके अपने इमोशंस में टैप करने की ज़रूरत है समवेयर आई फील दैट कि शायद यही आपका न्यू एटीट्यूड है कि आप क्योंकि आप शायद बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान हो लाइक आई टोल्ड यू वो नाइट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी अब आपको नाइट ऑफ कप्स में आना है कप्स इमोशंस हार्ट फीलिंग्स ठीक है बट फीलिंग्स तक पहुंचने के लिए नीड टू ब्रीद काम या सेल्फ डाउन ताकि आपका दिमाग शांत हो और आप दिल की सुन सको ठीक है

थोड़ी मिठास आ जाए तो अच्छा रहेगा ठीक है थोड़ी काइंड कंपैशन कम्पैशन ठीक है दिल से कंपैशन या आई ऑल्सो सी दैट कि काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं ठीक है सम पीपल आर रियली गोइंग टू विद यू आई ऑल्सो फील दैट कि आपके पास हो सकता ऑप्शन भी रहें समवेयर आई सी दैट ठीक है एक ऑप्शन रहेगा थोड़ा इमेच्योर सा एक रहेगा थोड़ा मेच्योर सा ठीक है अभी उसमें ये है कि आपने किसी को चेज नहीं करना जस्ट सिट ब्रीथ एंड ऑब्जर्व ठीक है अपने आप लोग आपकी तरफ आएंगे और आप वैसे भी वाइज हो काफ़ी यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ ठीक है बट चीज़ें काफ़ी फ्लो में होंगी समवेयर जो आपके लिए सही नहीं है वो अपने आप ही पिक्चर से बाहर हो जाएंगे और जो सही है वो पिक्चर में रहेंगे बल्कि उनके साथ पिक्चर आगे बढ़ेगी यहाँ पर सरेंडर टू नॉन एक्शन में आ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न हॉर्न भी बना हुआ हाँ so in you know, like है यहाँ पर सो आई फील दैट कि अ मैजिक फैक्टर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन ठीक है जहाँ पर यू नो लाइक हम लोग कई बार सोचते हैं कि अच्छा अपने आप कैसे हो जाती हैं चीजें ठीक है एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिजिंग बट इवन यूर करियर विक्ट्री प्रोस्पेरिटी ऑल्सो यू विल सी थिंग्स हैपनिंग ऑन देयर ओन ऑल यू नीड टू डू समयर आपने जो करना था ना आप कर चुके हो आपको अब बस यू जस्ट नीड टू ब्रीद एंड लेट रिलैक्स स्पेशली अगर आप यूनो you know, कई लोग हैं अगर नया घर ढूंढ रहे हैं या आपको घर का टेंशन हो रहा है कि घर को रेनोवेट करना है चेंजेस लाने ये करना है वो करना है अपने आप होंगे चेंजेस ठीक है समवेयर उन चेंजेस सही सही डिसीजन लेने के लिए भी यू नीड टू ब्रीद अपने आप को एकत्रित करने की जरूरत है ताकि आप वो करो जिससे आपका रिजल्ट से आपको खुशी मिले ये नहीं कि आप जल्दबाजी में नया घर भी ले लें लेकिन ले ले ले, आपको फिर लगे यार ये तो मैंने गलत कर दिया ये तो पसंद ही नहीं आ रहा यार तो मन ही नहीं लग रहा ठीक है सो थोड़ा ब्रीद रिलैक्स एंड लेट थिंग्स फ्लो अपने आप फ्लो करने चीजों को नाउ लेट्स सी कि आपका एस्ट्रोडाइज uh, से क्या मैसेज है बट समे नो आई डेफिनेटली फील कि आपका जो फ्यूचर है ना इट्स वेरी रिलैक्सिंग इट्स वेरी वेरी रिलैक्सिंग वेरी कामिंग वेरी मेंटली एकदम क्लियर एंड एंजॉयमेंट है बहुत इन्जॉयमेंट है सी पाइल टू मैसेजेस फॉर द फ्यूचर वी हैव सिक्स हाउस वी हैव सैटर्न एंड वी ऑल्सो हैजिटेरियस आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है भाई आपने कर ली जो मेहनत जो आपने करनी थी अब आपका टाइम है फल का फल खाओ फ्रूट्स खाया करो आप फ्रूट्स खाया करो और डेफिनेटली गुड लक एंड ये गुड लक आपके अपने एफर्ट्स की वजह से आपके अपने एफर्ट्स की वजह से और इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ करना है ना तो डू इट डू समथिंग फॉर द एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए जो अनप्रिवलेज लोग होते हैं उनके लिए कुछ करो आई नो आपका मन करता है करने का लेकिन इट्स योर हार्ट डिजायर डू इट डू इट जो आपके मन को खुशी मिलती है वो करो ठीक है कल पे मत डालो आज करो हेयर एंड नाउ नाउ अभी करो ठीक है और इसमें बोल जा रहा है एक्सरसाइज करने वाले आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने वाले हैं और खाना अच्छा खाएंगे लाइक आई सेड फ्रूट खाएंगे बहुत अच्छा रहेगा आपकी एनर्जी उससे और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी एंड आई ऑल्सो फील दैट कि समवेयर वर्क प्लेस पे ठीक है वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है uh, आपका लक काफ़ी ऊपर जा रहा है काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है एंड uh, See, the एनर्जी इज नॉट वेरी क्विक आई वुड से थोड़ा ठीक ठीक है आई फील that इट also डिपेंड्स ऑन यू ठीक है somewhere वैसे तो एनर्जी थोड़ी स्लो ही है लेकिन अगर आप ओके okay, अगर आप अपने आप को स्लो डाउन कर लेते हैं जैसे आप ना बड़ी स्पीड से अपना दिमाग चलाते हो बहुत स्पीड से दिमाग चलता है आपका थोड़ा तो अपने दिमाग को शांत स्लो डाउन करेंगे ना तो आसपास के इवेंट्स और चीज़ों में स्पीड बढ़ेगी अपना दिमाग तेज़ी से चलाओगे ना ज़्यादा तो बाकी चीज़ें स्लो हो जाएंगी समझ आई ठीक है नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके फिर प्ले करो एंड सो आई गेस दैट इज ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल टू सो दैट इज ऑल फॉर यू पाइल टू एंड यस काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपसे उम्र में बड़े होंगे अगर उम्र में बड़े नहीं है, तो हैं तो स्टेटस में बड़े हैं ठीक है उम्र और स्टेटस दोनों ही बड़े हो सकते हैं बट आई स्ट्रांगली फील उम्र में बड़े हैं बट दिस पर्सन हैज अ वेरी यूथफुल वाइब ठीक है एंड ऑल्सो फील कि आपका खुद का भी विजडम और नॉलेज एक्सपैंड हो रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा नाइस सो या ऑल द बेस्ट टू यू पाइल टू आई होप रीडिंग आपको हेल्प की मैसेजेस एजोनेट हुए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू बाय बाय कमेंट्स थ्री जिन्हें चुना है वाइट फेदर लेट्स सी वट इज इन स्टोर फॉर यू इन द फ्यूचर वट नेक्स्ट सो पहले हम लेकिन आपकी देखेंगे करंट एनर्जी ओके

योर स्पिरिचुअल एनर्जी इज रियली एक्सपैंडिंग बहुत यू वेरी क्लोज टू स्पिरिट ठीक है और इतना आई फील दैट स्पिरिट के साथ ठीक है हायर पावर के साथ आपका इतना लव एक्सचेंज हो रहा है ना क्योंकि आई फील दैट आप में से काफ़ी लोग भी रिसेंटली हो सकता है काफ़ी डिवोशन में रहे हैं और आपने काफ़ी प्रार्थना की है या फिर आपने सेल्फ लव पे बहुत काम किया है एंड इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर एनर्जी योर ऑल अबाउट लव एंड दिस नॉट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि एक हम कहें कि हाँ आप एक इंसान से प्यार करते हो रोमांटिक कनेक्शन नहीं इट्स जस्ट लव यू आर लव लव इज़ फ्लोइंग थ्रू यू ठीक है एंड सबसे बड़ी बात है कि वो प्यार आपका अपने लिए भी है ठीक है लाइक इसने अपने हार्ट को बड़े ही प्यार से पकड़ा हुआ है बड़े ही प्यार से बहुत कंपैशन है आप में बहुत अप्रिसिएशन है आप में हर चीज़ को लेकर अपने आप को लेकर एंड वेरी काइंड वेरी काइंड एंड कंपेशनट पीपल सम वेरी ऑल्सो वेरी लविंग कई लोगों के लिए साथ ऐसा हो रहा हो सकता है कि आपको अभी भी, भी किसी से प्यार हो गया है यू इन लव एंड यू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर सम वन ठीक है या फिर आने वाली है आपको रोमांटिक फीलिंग्स बिकॉज दैट इज योर एनर्जी और यू लुकिंग फॉर लव बट डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक लुकिंग फॉर लव एज इन अनहेल्दी इट्स मोर लाइक क्योंकि आप में खुद के लिए भी प्यार आ रखा है और आप दुनिया को एक प्यार भरी नजरों से देख रहे हो तो यू आर अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम एवरी यू नो दिस कुड इवन बी लाइक लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस फैमिली वर्क प्लेस पे ठीक है या फिर जनरल पीपल जस्ट लव इज इन द एयर एंड स्पेशली डिवाइन लव स्पेशली स्पेशली डिवाइन लव वेरी स्पेशल ठीक है बट यू आर डेफिनेटली यू गाइज आर होपलेस रोमांटिक्स बहुत रोमांटिक हैं आप लेट्स ये कि आपके लिए आगे क्या आ रहा है पाइल थ्री सो वी हैव हैवीगल मून clouds box okay and then tarot deck hermit king of pentacles death six of wands we have second house moon soul mates we have fates and surrender obsessive thinking

आपको नहीं दिख रहा सामने क्या है डेफिनेटली देर आर चेंजेस हैपनिंग हो सकता है अभी आपको आप डिसकम्फर्ट में भी हो सकता है क्योंकि अंधेरी रात है तो आपको थोड़ा डर भी लग रहा हो सकता है क्या होगा क्या होगा, क्या होगा कैसे होगा क्या होगा ठीक है हालांकि आपके अंदर डिवाइन लव है बहुत ज्यादा लव है लेकिन आपको अंधेरी रात लग रही है और क्या होगा क्या होगा हो सकता तो है तो आपकी लाइफ में अभी कुछ टेंपररी प्रॉब्लम भी चल रही हैं कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है आप खुद डिस्टर्ब फील कर रहे हो इमोशनली मेंटली बट देन आई सी कि एकदम से इट विल क्लियर इट विल क्लियर क्योंकि वी हैव ईगल ईगल टॉक्स अबाउट ट्राइम ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स तो so ये जो भी ये ऑबस्टिकल्स आ रखे हैं अभी आपकी फतेह होगी उन पर आप जीत जाओगे आप उन पर ट्रायम्फ कर जाओगे और ये जो ट्रायम्फ है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिवाइन लवि जो कि आपका ये डोर टू स्पिरिट एंड लवर एनर्जी है एंड देन वी हैव बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट और बॉक्स बंद है मतलब आपको नहीं पता क्या गिफ्ट आने वाला है वी डोंट नो बट इट लुक्स लाइक अ ट्रेजर बॉक्स समथिंग जिसको आप फॉर लाइफ ट्रेजर करने वाले हो ठीक है दिस कैन बी एनी थिंग मुझे तो लग रहा है ये कोई ब्लेसिंग है दिस ये मटीरियल भी हो सकता है ये इमोशनल भी हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेंसिंग मटीरियल वेल्थ क्योंकि ये कार्ड आपकी पाइल शफल करते भी वेल्थ का काफ़ी मैसेज मुझे आ रहा था एंड यहाँ पे सेकेंड हाउस है रिसोर्सेज का किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है सो डेफिनेटली आई एम सेंसिंग वेल्थ एंड यू नो इट्स लाइक सुख समृद्धि ठीक है या इट कुल बी एज बेसिकल्सो रिसीविंग गिफ्ट जो कि आप फॉर लाइफ ट्रेजर करने वाले हो ठीक है बट डेफिनेटली उससे पहले कुछ टेम्पररी सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें आपको अपने आप को काफी कंफ्यूज रहेगा समवेर इट इज ऑल्सो अबाउट द यूनिवर्स टेस्टिंग यू अबाउट योर फेथ आपका भरोसा इन यूनिवर्स कि आप यूनिवर्स से कितना प्यार करते हो परमात्मा से कितना प्यार करते हो वो टेस्ट होगा वी हैव हॉर्मिट एंड डेथ समवेयर आई फील अभी आप उस हॉर्मिट जोन में हो काफी लोग आप में से सिंगल हैं एंड यू वॉन्ट टू बी इन लव यू लव द आइडिया ऑफ बींग इन लव प्यार से प्यार है आपको ठीक है बट आप हर्मिट मोड में हो क्योंकि आप अभी अपनी सोलो जर्नी पे हो सेल्फ ग्रोथ इंट्रोस्पेक्शन इवॉलमेंट में हो ठीक है हालांकि इसके बाद डेथ आ गया है कि आपकी वो सोलो जर्नी समवेयर इट्स एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके आसपास लोग आ जाएंगे सिक्स ऑफ वन कि एक इंसान जो अकेला अकेला चल रहा था उसके आसपास कोई नहीं था अब उसके पास बहुत सारे लोग हैं समवेयर यू नो ये जो लव वाली एनर्जी है आई डेफिनेटली फील दैट आप में से काफ़ी लोग आर अट्रैक्टिंग पब्लिक लव ठीक है स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी ऐसे काम में या किसी ऐसे फील्ड में जिसमें आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू आउट फॉर यू अगर आप नहीं भी हैं सपोज तो जो भी आपका सर्कल है या यू you नो know, आपके आसपास के लोग हैं दे आर गोइंग टू रियली लव यू अप्रीशिएट एंड यू नो इट्स नॉट कि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे कि क्योंकि आपके पास पावर है नहीं लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं लोग आपको यू नो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं इट्स लव इट्स लव अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन जो आपको मिल रहा है आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर देर इज़ अ नीट फॉर यू टू ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर योर सेल्फ ऑर्गेनाइज या आई डोंट फील ऑर्गेनाइज लिटरली बट इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों पर जो कि आप अभी भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे इन्सिक्योरिटीज़ uh, हैं आपके अंदर आपके आस पास लोग रहेंगे जिनको आपको निकालने की ज़रूरत है जो लिटरली सांप है क्योंकि यहाँ पर होमट के आगे अल शो यू एक तो ये अच्छा हॉमेट क्या आ गए सांप है ठीक है तो ये सांप जैसे लोग सिचुएशंस और थॉट्स को आपको अपनी लाइफ से निकालने की जरूरत है विद डेथ डेथ लाइक मुझे डेथ थोड़ा क्लेंजिंग वाला भी लगता है कि डेथ इज लाइक खत्म करो खत्म करो निकालो खत्म करो ठीक है निकालो रिलीज इनसिक्योरिटीज एंड इनसेर पीपल फ्रॉम योर लाइफ ठीक है ताकि आप उस हाई वाइब स्टेबल एनर्जी में जा सकें ठीक है आई ऑल्सो सी दैट कि आपके अंदर ही बहुत पोटेंशल है आप खुद में ही बहुत रिसोर्सफुल हो लेकिन आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है टू फाइंड आउट दो रिसोर्सेज एंड मेक द मोस्ट ऑफ दैम ठीक है लिटरली यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सोलमेट्स है सो कई लोग तो आप अपना सोलमेट ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है समवन हु इज वेरी रिच फाइनेंशियली सिक्योर स्टेबल वेल्थी पर्सन ठीक है टॉरस वर्गो के हो सकते हैं स्पेशली टॉरस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड हाउस भी है समवन हु इज वेरी एस्टैब्लिश मेच्योर मैन मैस्कुल ठीक है अगर आप मेल भी हैं एंड यूर इंटरेस्टेड इन अ फीमेल ठीक है बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन अ फीमेल चाहे आप मेल हो फीमेल हो बट आप इंटरेस्टेड हो फीमेल में तो भी उनकी स्टेबल मैस्कुलिन एनर्जी है where वो नर्चरिंग है प्रोवाइडिंग है फैमिली ओरिएंटेड है बहुत रूटेड है स्टेबल है सिक्योर हैं वेल सेटल्ड है एंड लुकिंग फॉर सेटलमेंट ठीक है एंड योर सोलमेट समवेयर दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक रोमांटिक सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर योर सोल मेट्स जिन पर जिनसे आप सोल टू सोल वाइव करते हैं बट समवेयर उन लोगों तक पहुँचने के लिए पहले थोड़ा सा क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी नेगेटिविटी है थोड़ी सी उसको रिलीज करने की जरूरत है आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है आपकी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है जो कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करके पता चलेगा ऊपर ऊपर से नहीं दिख रहे हैं नेगेटिव लोग या नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव थॉट्स ये समवेयर डीप हैं लेकिन आप में वो डेप्थ है वहाँ तक पहुँचने की और उसको सिचुएशन को अपने लिए चेंज करने की ठीक है इट्स ऑल्सो अबाउट कि समवेयर यू नो क्योंकि डेथ के नीचे मून है मून इज वॉट हिडन डेथ भी हिडन है क्योंकि वो स्कॉर्पियो एनर्जी है इट्स हिडन ठीक है स्कॉर्पियो क्या होता है पीछे से वार करता है छुपा हुआ दुश्मन ठीक है uh, वैसे आई ऑल्सो फील दैट कि और ये जो दुश्मन लोग हैं आपके आपसे दुश्मनी करना इज मतलब पता नहीं क्या रीजन है क्योंकि आप तो बहुत लविंग अफेक्शनेट प्योर है बट समवेयर ये उन लोगों की इनसेज हैं जो वो आपसे दुश्मनी करते हैं या आपसे यू नो एक नेगेटिव फीलिंग रखते हैं बट समवेयर देर इज नीड कि आप लव हेल्दी वे में डिफाइन करें लव ये नहीं होता है कि आप हर किसी को एंटरटेन करते चलें लव इज ऑल्सो जस्टिस ठीक है एंड लाइक बींग फेयर टू पीपल एंड टू योर सेल्फ ठीक है मतलब बेसिकली सेल्फ लव एंड डिवाइन लव को आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं आपके अंदर आपके सारे जवाब है आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है समवेयर ऑल्सो यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपके पास ऐसे लोग भेजेंगे जो आपको गाइड करेंगे बट यू हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है एकदम से किसी के साथ रफ होना या बाउंड्रीज ड्रॉ करना मे बी ठीक है बट इट्स आपको समझना है कि ये हाइएस्ट गुड के लिए है एंड यू नीड टू डू इट ठीक है रिकोगनीशन फेम सक्सेस डेफिनेटली कमिंग फॉर यू ठीक है स्पेशली मुझे इन इवन वर्क फ्रंट पे भी आपका आगे काफ़ी सक्सेस नज़र आ रहा है बट समवेर इवन इन वर्क फ्रंट आपको आई फील दैट आप यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ मोर ठीक है आप अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो शायद ठीक है यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ मोर बिकॉज जब आप खुद में बिलीव करोगे तो आपके आस के लोग भी आप में बिलीव करना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल सी दैट सी दैट आपका आपका नाम बढ़ रहा है आपका स्टेबिलिटी फाइनेंशियली बढ़ रहे हैं डेफिनेटली और फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपकी काफ़ी हो रही है एंड विथ द मून कमिंग इन आई फील दैट दिस चेंजेस आर वेरी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड और एकदम आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ नो वेर दिस इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ नो वेर यूर गोइंग टू मीट योअर सोल मेट और सोल मेट्स फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे सोल मेट्स लिखा हुआ है तो काफी लोग आपसे जुड़ रहे हैं जो आपके सोलमेट्स हैं लाइक यू नो कि पे वॉन्ट्स एनर्जी सो यूर वाइबिंग विद दो ठीक है आई ऑल्सो सी दर विद द फेट्स ठीक है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपने प्लान नहीं करी हैं ठीक है फॉर योर सेल्फ बट दे विल हैपन सम चेंजेस आर हैपनिंग जो कि आपके प्लान से अलग है ठीक है रास्ते में थोड़ा डिविएशन हो सकता है उसको फेट समझकर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसके बाद आपको ये फल मिलने वाला है ये रिकॉग्नेशन सक्सेस सोलमेट्स अप्रिसिएशन सब मिलने वाला है बट डेथ जो सिचुएशन है वो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ठीक है और ये सब फेटेड है दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल ठीक है तो उस उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है बाहर कंट्रोल करने की जगह अपने अंदर झांको कि ये क्यों हो रहा है टैप इन टू योर हायर विस्टम ठीक है क्योंकि आपके अंदर सारा ज्ञान है आपको अंदर से सब पता है सरेंडर्ड ऑब्सेसिव थिंकिंग इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन टर्न द डिलेमा ओवर टू स्पिरिट डूइंग सो विल हेल्प ब्रिंग यू क्लैरिटी और इवन सॉल्व द प्रॉब्लम कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लवर हो आप किसी के ऑप्सेस्ड हो रहे हो सकते हो ठीक है किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन और एक्सपीरियंस से यू कुड भी ऑप्सैसिंग ओवर इट जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही हो सकती है समवेयर जरूरी है मैं नहीं कह रही कि वो इंसान गलत होगा या क्या होगा आई डोंट नो आई कान से क्योंकि इट्स इज जनरल रीडिंग समवेयर चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी बट उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक आप इंट्रोस्पेक्ट कर लो सिचुएशन आप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच होने की जगह उसको खुला छोड़ दें कि जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वो आगे कैरी ऑन होगा एंड आई एम विलिंग टू रिलीज जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है ठीक है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एज फेट समझकर एक्सेप्ट करके कर आगे चलनी होंगी राइट ऑल्सो आई फील दैट कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ऑब्सेसिव थिंकिंग की जगह अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएँ ठीक है समवेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक रूटीन डेवलप करें ठीक है क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी हवा में जा रही है ठीक है हवा में जा रही है या वेवर कर रही है उसको ग्राउंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक रूटीन डेवलप करें एंड स्टिक टू अ हेल्दी रूटीन फॉर योरसेल्फ इट विल हेल्प आपको एक तो क्लैरिटी देने के लिए और चीज़ों को क्लियर करने के लिए बेसिकली आपकी मेंटल क्लैरिटी भी और आपके सिचुएशन क्लैरिटी भी आपको सिचुएशन में क्लैरिटी लाने के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा नाव लेट्स कि आपके लिए एस्ट्रोडाइज uh, से क्या मैसेजेस हैं पाइल थ्री सो पाइल थ्री future what's coming next so we have Neptune we have second house again and we have Pisces Pisces okay so there is psychic spiritual energy Apple it Neptune or Pisces again you know it's like a Neptune similar basically Neptune similar again Neptune ये भी बता रहा है कि थोड़ी सी जरूरत है एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से चीजों को देखने की ठीक है साइकिक एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तो स्पिरिट आपको डेफिनेटली बहुत गाइड कर रहे हैं लिटरली मून के ऊपर हम देख रहे हैं सब चीजें सो so, बहुत गाइडेंस है बट समवेयर लाइक आई सेड ऑब्सेसिव थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आपको गाइडेंस इज नॉट कमिंग थ्रू क्लियरली ठीक है जिसके लिए आपको अपने को थोड़ा ग्राउंड करने की जरूरत है जो कि आप होंगे वेन यू फॉलो अ रूटीन एंड कीप य प्रोडक्टिवली बिजी प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड तो आपके एनर्जीज ग्राउंड होंगी और फिर आपको चीजें क्लियरली नजर आने लग जाएंगी ठीक है आई ऑल्सो सी दैट कि देर इज अ चैप्टर एंडिंग एंड न्यू चैप्टर बिगिनिंग फॉर यू समय ये जो न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है आपके लिए इसमें बहुत स्टेबिलिटी है बहुत आई फील फाइनेंशियली तो काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए ठीक है एंड बहुत ग्राउंडेड रहने वाला है स्पेशली अगर आपने पीछे काफी उथल पुथल उथल पुथल देखी अपने लाइफ में तो आगे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी काम एंड स्ट्रेट बट समय अभी वो एंडिंग आई नहीं है इट्स ये टू कम उससे पहले देर इज थोड़ कुछ आ, हिल दुल होना कुछ रीअरेंजमेंट होना बाकी है समवेयर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब ये रीअरेंजमेंट होता है ठीक है यू माइट फील कि ये तो प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो गई बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप यू स्टैंड स्ट्रांग ठीक है यू कीप योर फेथ स्ट्रांग और चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें ठीक है वाइल दीज चेंजेस हैपन एंड देन यू आर गुड टू गो Good to go and stable. So that was all for you, pile uh, 3. I hope you like this reading. Messages, help. किये. please like, share, subscribe, and comment. Love and like to you. Bye bye.